127 जबूर, ये मेरा बड़ा फेवरेट जबूर है। मैं अपनी फैमिली के लिए इसको हमेशा सामने रखता हूँ, अपने खानदान को चलाने के लिए। ओके, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इससे। ये बेसिकली सुलेमान का जबूर है। ओके, और आप जानते हैं सुलेमान एक अमीर तरीन बादशाह था, सिर्फ अमीर ही नहीं, दुनिया का अमीर तरीन बादशाह। खुदा ने उसको बहुत दौलत दी थी, इसने महल तो घर बनाया ही, लेकिन इसने इसको शर्फ मिला, इसने खुदा की हकत भी जमीन करवाई और बहुत पैसा लगाया, बहुत खूबसूरत तरीन बिल्डिंग बनाई, सोना बना उसके अंदर, हर किस्म के आला पत्थर लगाए, वेरी ब्यूटीफुल। आज भी दुनिया की अहम इमारतों में वो नहीं है, लेकिन उसको याद रखा जाता है कि कभी यहूदियों की दाखिल दुनिया की एक टॉप तरीन बिल्डिंग थी। तो सुलेमान जब बन गया सारा कुछ, तो सुलेमान क्योंकि बादशाह था, इसकी ज़ियारत के लिए, इसकी मखसूसियत के लिए खड़ा है। और ज़ाहिर सारी कम्युनिटी वहां खड़ी है क्योंकि बादशाह आया हुआ है, हैकल को अब बकायदा खोला जाना है, ज़ियारत है उसकी होनी। तो ये ज़बूर दाऊद का, उसका सुलेमान का, इस हैकल की जो ज़ियारत है उसको विजिट करना, उसको खुदा के लिए वक्फ करना, उसके रेफरेंस से है। ओके, और जो गुफ्तगू वो करता है बड़ी कमाल की करता है। मैं इसको दो तरह से समझता हूं, एक तो हैकल है जो खुदा का घर है, एक तो वो है, एक हम है। बच्चा चल डिस्टर्ब चल रहा है, परेशानी ना हो, थोड़ा सा इसको ना हवा हवा दे, साइड पे थोड़ा सा इसको करो, मुझे लग रहा वो शायद गर्मी या कोई है, या दूर से भूखा ना हो वो बेचारा क्यों सफर करे। एक छोटी सी दुआ करें, अपने मैं बात कर रहा था कि एक तो स्क्रीनिंग है जिसके सामने सुलेमान खड़ा है, एक तो वो खा है, ओके, खुदा का खा है, अमारत है जैसे जो बिल्डिंग है इसके अंदर हम आए हुए हैं। ओके, एक तो वो कि ये खुदा इसमें रहता है, रहेगा और हम यहां इबादत करेंगे। एक और भी जगह जहां खुदा रहता है वो हमारे, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। तुम खुद खुदा का क्या हो, घर हो, यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की क्या बन जाते हैं, पाक तरीन मकाम, क्या खुदा है। तो हम इस ज़बूर को दोनों तरह से समझें, बतौर इमारत भी समझेंगे और बतौर अपने आप भी समझेंगे। इसका अतलाक हम दोनों तरह से करेंगे। जब हमारी बारी आएगी तो हम उसको एज ए खानदान समझेंगे, क्योंकि सुलेमान उनको जो टीचिंग देने लगा है इस ज़बूर के वसीले से, यही देने लगा है आपके खानदान है, खुदा का खानदान है।
अब इसकी तलावत करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं वो कैसे इसको इसका तलाव करता है। कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत, अब मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, संगमरमर लगा दिए हैं, मैंने सोना पड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन अगर इस घर में खुदा ही ना रहे तो मेरी और तुम्हारी सारी मेहनत का कोई फायदा। अब उसका मतलब है बेकार है, बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर हमारे अम्मी के और अबाजी के अंदर और बच्चों के अंदर खुदा ही ना रहे तो इस सारी बिल्डिंग का, इस घर की इमारत का बनाने का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए घर बने होते हैं, बिल्डिंग बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो अंदर जी रह रहे होते हैं अगर उनमें खुदा ही नहीं, यह हवा नहीं रह रहा, उसका बेटा यीशु नहीं रह रहा, उनकी जिंदगियों में रूह कुदस नहीं रह रहा, तो तुम्हारे इस घर को बनाने की सारी मेहनत बेकार है। मतलब फिर क्या होगा कि खानदान की बुनियाद और खानदान की जिंदगी इमारतों से नहीं जुड़ी है, खुदा से जुड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा से जुड़ी है। कहता क्या चीज नहीं मैंने लगाई, अगर अगर इस घर पे खुदा ही नहीं, खुदा का तजर्बा नहीं। देख ना, जब मैं लफ्ज बोल रहा हूं खुदा, यहोवा खुदा, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, कैसा है, क्या फितरत है, क्या नेचर है, क्या है उसके अंदर, कैसी जिंदगी है। घर के अंदर जिंदगी नहीं, वहां बरकत जिंदगी नहीं। आपने करोड़ों रुपये लगा दिए हैं, आपने पैसा लगाया, अगर उस पैसे के इवज आपको सुकून ही नहीं मिल रहा, उस घर के अंदर बीमारियां हैं, उस घर के अंदर नफरतें हैं, उस घर के अंदर जुदाइयां हैं, खुदा ही नहीं है उस घर में, खुदा की जिंदगी नहीं है, तो तुम्हारी बनाने की सारी मेहनत कोई फायदा नहीं। इसलिए तो यीशु आया, यीशु आया ही क्यों, ताकि खुदा तुम्हारे अंदर चला जाए और मैं और मेरा बाप तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया, कभी आपने सोचा, आपको पता पहले खानदान की दवाइयां बेटी कब होती थी, खुदाइश की किताबों की, लेकिन शाम को ठंडे वक्तों इब्रा आदम और हवा से खुदा आकर मिलता था, कोई गुनाह नहीं था। खानदान को क्या, खानदानों के पास कौन सा टाइम है जब वो अपने खानदान के साथ बैठकर खुदा की आवाज सुनते हैं। खुदा की आवाज, खुदा का कलाम, और घरों में अब आप मसीह खानदानों को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, महलों को देखते हैं, है ना, आबादियों को देखते हैं, बड़ा दुख होता है, वास्तव में बहुत दुख होता है, क्योंकि वो घर वीरान नजर आते हैं, जिंदगियां वीरान नजर आती। खुदा वीरानी जिंदगी का नाम नहीं है, यहोवा हमेशा की जिंदगी देने वाले खुदा का नाम है। हालेलुया, किसे में पूछना था कैसी जिंदगी गुजर रही, कहने के बस ना ही पूछा, तकाल आया
जीत जीत से जवाब आने प्यो नहीं चंगा गला कटता रहता बर्बाद कर दी जिंदगी दिल कर दी जी गला कटती हो गई जो मेरी जिंदगी चाहिए मैंने लैके पै गए अगों भावें बंदा आता हो जो दो आई है मैंने उदी शुक्र हो गई सोचा तो सी ब्याह करा के खुदा का दलाल वेखा के चार दिन चंगे गुजार मुसीबत शुगर करा के बह गई सिर भी गुजार के बह गए और लोगों ने पूछा किस तरह की जिंदगी चाहिए असं मशुरा दी ना कराई तो चाहिए बड़ा बुरा हाल होता है अपने अपने से कर देंगे माँ प्यो को बह के पूछो और ना तेरी सोचिए कि जिंदगी ने मानी की नहीं किस तरह की जिंदगी को ला देना चाहते जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है किस तरह की कहते नहीं है जिंदगी तुम्हारी हो ये सुधे बेटे की दी जिंदगी तेरे तो मैं ये सुधर नहीं पड़ है ये सुध हम पता है कि मेरे अंदर ये सुध रहता है अच्छा तेरे तो सिर तो पैरा सीधा तक भी मैं लगी है सिर तो पैरा सीधा तो नहीं कुमार तुम्हें अंदर में रहता ये सुध अंदर हो गए जिसे कि यीशु आ जावे यीशु ने बाहर खड़े होके तो कहता सी मैं तेरे कोल खड़े होके तो बदबू निकल जानी है तो ठीक हो जाती ये उन्हें इतना इतनी बेटी ने हाथ ही लाया बेवाद में तो उठके मैं कहती तेरे अंदर रह गया अंदर रह गया कि कुछ नहीं हो गया ये तो पता ही नहीं तेरे ना रहने को दिया यीशु ने रह गया रोज शरण दे ਇਹ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੇਸੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯੇਸੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਸਰਤ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ जब वो आके हमें बताते हैं मेरा इतने बच्चे हैं लेकिन मेरा शोहर दूसरी बीवी की तरफ चला गया दूसरी शादी कर हमारे बच्चे ने पढ़ हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं हम गुरबत के नीचे रह रहे हमारे हालात ही नहीं बदले ये होता साढ़ा खुदा है जिदा मुझे तो सीखी थी तुम जाके जिन्ना जी लड़ता तेरी तो कौन ही लड़ रहा अगर खुदा चला गया ना इतो सारी सारी मेहनत ना कोई फायदा नहीं अगर खानदानों से खुदा निकल गया ना इना रिश्तियां का भी कोई फायदा नहीं तुसी सके भैन भरा हो शरीका बरादरी हो अगर इन्हों के खुदा नहीं ना इन्हों का कोई फायदा रिश्तियां से जिंदगी होती है सर खुदा ने तो जिंदगी वास्ते दिते भैन भरा चाचे ताए मां प्यो जिंदगी नहीं दिते जिंदगी का लगे है बच्चे को प्यो कोसता रहे शुरू तो ही है ना उन्होंने मां प्यो गाला कड़ते रहे उन्होंने कहना सी बाद के समझ गया तू साडे घर पैदा हो गया वो कहते बाद के समझ गया मम्मी मैं तू मेरा प्यो हूं जेडी हालत तू साडी कर जेडी है सानू ही पता तू गाला कड़ते तेरे कुछ मैं तो शीख खानदान की गल कर एक दूसरे के केस एक दूसरे से नफरत करते क्योंकि खुदा नहीं है पीछे यीशु नहीं रहता जब खानदानों में यीशु आ जाता है खानदान बाहर हो जाता है हालेलुया आलम बाला पर खुदा की तरजीद और जमीन पर जिन इंसानों से वो राजी ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਿਰਜੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕ ਲੱਗ ਜਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਉਧਰ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ
मालिक बाला ते खुदा जलाल ते जमीन के जिन्हां दा रब राजी जिन्हां ने रब दी सुला जिन्हां दी जिंदगियां के रब आ जाएगा उन्हां दी भी हो जाएगी। अगर खुदावत ही कार ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब क्या कलाम है। एम्फसिस है खुदा को पहचाने, रूल कोर्स को पहचाना, क्योंकि रूल कोर्स के बारे में क्या लिखा है, वो तुम्हारा मददगार है कि मदद को मदद ला तेरे रिश्तियां बदल के रख देगा, तेरी जिंदगी दे विच यीशु मसीह को लाएगा, और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो तेरे अंदर मोहब्बत आ जाएगी, और ऐसी मोहब्बत आ जाएगी तेरी खुदा के बीच। और खुदा की मोहब्बत ये है वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है। हालेलुया, अरे बाप ने माफ कर, ये नहीं जानते जानते, समझ आई थी बात। हेलो यार, सारे भी सुन गए जवान प्यार तुम प्यार साढ़े वाले रखना न्याणे का नहीं खेलते रहना, आओ कान मेरे वाल रखना, अखा पावे न्याणे वाल रखना, कान साढ़े वाल होने चाहिए। कलाम भी सुन लें, अगली गल सुनो, अगर खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे, आर्मी लोग की हिसाब बादशाह खोता है बदल गई ने बादशाह खत्म हो गया ना दुनिया च, हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये बन गए और जमहूरियत आ गई। हम पता लगे इमरान खान ने आना तो साढ़ा की ख्याल है, पूरा इलाका सील कर दे, पुलिस लगी कमांडो आ जाए, सिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं कि सड़क को क्रॉस कर सके, और अगर सीरियस सेंसिटिव जगह जिन्हें भी आर्मी भी आ गई, ये किंग खलोता है, इन्हों किस चीज़ की कमी है सिक्योरिटी वास्ते, इन्हें गुफ्तगू भी कर, अगर खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो ये बांध का जाग ना दी आवश्यक है। जे तू अपने बच्चों को मसीह दे विच ट्रेंड भी ना किया, इहो ही बच्चे तेरे बर्बाद कर देंगे, कर राखी जिनी मर्जी कर ले, कई छड ही देंगे, आने को छड़ो जी राखी कर दांगी, इन्हें इहो कुछ ही करना इहड़ा कर गए, कितनी देर राखी करोगे, उन्हें कर सकते राखी है उन्हें, जब मैं आर्मी खिलाड़ी, और अगर खुदावंद ने साड़ी हिफाजत ना करे सारी आर्मी का खड़ा होना बेकार है। अगर खुदा हिफाजत करेगा, खुदा जिंदगियां बदलता है, खुदा खानदान बदलता है, खुदा बच्चों की जिंदगियां बदलता है, जब तेरे बच्चों ने घर में खुदा को सीख लिया है, उनकी जिंदगियां रुल बुद्ध से भरी हुई है, तू जहां काम थे ये तेरे पिछों भी टेलीविजन ला के गंदा ड्रामा नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्हां दे नाल खुद खुदा खलोता है। हालेलुया, तेरी बीवी नहीं जान लगी करो कि ते होर बने, क्योंकि ओदे विच भी कौन है खुदा। मैं तेरी मर्जी कुछ गला दूं, मैं कई क्रिश्चियन मां प्यो गए जिनी मर्जी राखी कर न्याण बीबी दौड़ जाते, उन्हें कुड़ियां भी दौड़ जाए, वो भी जोर ना करा ले जा रोते रोते रह जाए, राखी ऐसा राखी टेलीफोन करके ट्रैक कर दो, तो मेरी बेग फोन तो नहीं करेगी, बता दे करना है करना बंदे ने गड़बड़ करनी तो कुछ नहीं करना ही हो जाए। शर्म आ रही
शाम के मेरे किसी कहता 2 बजे आ जाओ लंच करियो। मैं कह किसी तू आराम के कर अरे सर भी आओ तो सही आओ खाना खाओ ना मैं कोई गलबात कर दी कहता इससे ही तो बुलाया चली गई बुला दो बड़िया नैगेटिव गल दसिया मैंने उन्हें वो तो यार दिखा दिए अंज हो गया और जो हो गया चल मैं चल रहा उनकी बीवी उसको पता चला ना कि सारक आए हुए हैं रात को उन्हें भी फोन कर देता मैं मुझे पता चला क्या वहां पर आए हुए थे मैं तो हो गया आ गए हैं कहती बड़ी बातें आपके बारे मेरे बारे उसने बताई होगी मैं गल लिस्ट लगी बहुत दसियां उन्हें तेरे बारे यदि मैं भी दस सकती मैं कहते भी दस उन्हें कहा पादरी साहब रात के 12 बजे किसी खतून की काउंसलिंग करते थे कि वो होर टाइम नहीं ना मैं क्या ये नहीं दस उन्हें हाँ जी रौला क्या मैं ऐसा बस खा लिया हो सकता पासवर्ड का ना कोई दिया खुदा बदले कोई सख्ती होनी हो वो कह रहे थे कि नहीं कहते खुदा मां की हिफाजत ना करे तो तेरा पासवर्ड ही नहीं करता वो बीवी ने देख लिया लाला पासवर्ड वो आदि बता दे कौन है मुड़े मैंने पूछ लिया कौन है आदि मैंने पूछ लिया कौन है आंदे एक्चुअली तो रूहानी ने इस खतून की प्राइवेट काउंसलिंग में कर रहे हैं मैं खिदमत कर रहे हैं 12 बजे के बाद ही शुरू की जो मैं सोना हूँ तो खिदमत ही शुरू की रूहानियत नहीं सर जी तुम दसो मैं कहते मेरी बीवी कह रही तो मैं दूसरे ही बंद करते हैं मैं कहता भाई जी मेरा रिश्ता मतलब मेरी बीवी तो नहीं आ मैं बाकी 12 बजे जाके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਮੁਦੀ ਘਰ ਕੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਤੋ ਨੇ ਬਾਤ ਕਾ ਚਾਦਨਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ इसलिए नहीं है खुदा नहीं है मोहब्बत ट्रस्ट करती है मोहब्बत इत्माद करती है मोहब्बत भरोसा करती है मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती मोहब्बत बदी नहीं करती ये है यीशु की मोहब्बत मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती आज कितने खानदान हैं भाई आप देखें अपने करीबी देखें उसी हैरान हो गया है नहीं है मुंडा की करता फिर ना ये प्यो प्यो रे कुछ सिखाया ही सिखाने की गल नहीं इन्हें जो खुदा नहीं ये मसीह तो दूर नहीं इन्हें दे बच्चे मसीह की जिंदगी नहीं इसलिए नशा कर लिया इसलिए कोनिया बनी फिरता ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣ ਪਾਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਯੇਸੁ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਯੇਸੁ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਕਿਹਦਾ ਬਦਨ ਹੈ ਯੇਸੁ ਪਾਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਵਾ ਕਰੀਂਗੇ ਨਾ ਆਈ ਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਜ ਦੀ ਆ ਕਿੰਜ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਗਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬਣਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਣ ਜਾਏ
उसका घराना बन जाएगा। और उस घर का सरदार कौन होगा? यीशु मसीह। हालेलुया। पास्टर वो होगा उसका, और उसमें से क्या निकलते हैं? आपे हयात के चश्मे। हर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आपे हयात। इतने हर वो शायद निकल दिए खानदाना के जड़ी हयात ही मुका आगरा कर देती। मैं तो सही कह रही, माँ प्यो बेचारे रोते ने साडे बच्चों की दुआ सुन साडी सुनते ही नहीं। मां प्यो की हयात की तबाही नहीं, मतलब वो अपनी अखा अपने बच्चों की बर्बादी वेख, उन्होंने पता चले साड़ी कुड़ी झट गई है किसी होर वाले चली गई है, शोहर को पता चले मेरी बीवी बेवफा है, बीवी को पता चले मेरा शोहर बेवफा है, मेरा झूठ बोलता है, मेरा सच्चाई की गल नहीं करता। ये हयात है, इन जिंदगी कहते ब्लड प्रैशर कहो शुगर जो बीमारियां थोड़ा ना चक्कर 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 होने। कई मेरे को आ गया मेरे अद्धे सिर की पीड़ है, मैं शुक्र कर दी अद्धे से लगी अरे भी मका ला अरे बोरे जी खाना हो सिर पीड़ा तो हाथ लाइया जो तुम देखो अयूब था। अयूब सवेरे सवेरे दुआ करता से अपने बच्चिया ने, अच्छा कुर्बानी चढ़ाता था, अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हुई, अगर इनसे भी खता हुई माफ कर। लेकिन वो हर रोज सुबह उठकर ये कहता था माफी की दुआ। जितने शैतान के अंदर इस खुदा को जो मैं इन हमला करना चाहना है खुदा ने क्या कर रहा आंदा मैं तो दस रही हूँ सब उसके घर के चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। हालेलुया। शैतान बदरुआ का भी तो नाम है। यह मतलब जब ईमानदार का खानदान बैठा है और बदरुए हमला करोगी पीछे हट जाएगियां, वो कह गया इस घर के चारों तरफ है जानवर का खून निजे यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। ऐसे तो उबाल के निकल जाओ आग की लगी जी अंदर खुदा दे घर जी ये सारे मुकदस बैठे कहते थे हर तीजे बंदे थे क्रिश्चियन के बदरू रही और कई दिन यहां ढीठ बदरूआ नहीं निकल दी फिर आवर दी साढ़े गिरदे च दुआ करनी ना खड़ोते तो मैं भी आना पाई प्रोफेसर साहब आने भी दुआ कर दो दुआ की जो बदरू निकल गई क्या चल जा घर चली जा नहीं जाना बाहर खड़ोते आगे आके तो मार बोतलां लैके आ जाएंगे पानी दी पानी दी दुआ कर दो मैं कह दिया यीशु बंद कर दिए बोतल च इंदे ने यीशु आ जाए इना तेरे मान ने कि मैं दुआ की पानी की बोतल च यीशु आ जाएगा तो यह नहीं तेरे मान के तेरे बिच भी आ जाएगा अपने अंदर नहीं धोना बोतल चला हालत कहते बोतल के बिच कर दे मसीह बंद कर दे बोतल च मैं बोतल लै जावगी पानी पिया दी कर दिया लिखर तुरे अफसोस की गल करता तेरा मुंडा
मैं कहना कर ड्रामा वेदा से वेदा 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 तो हम आ गए फिर मैं क्या भी तो ब्लॉक दे लो उड़ी थी जा के ये बंदी तार काट किधर होती है उठी क्या है तो यो नू लाख में साल बनाऊंगा एक तो रुमा तो सीख वो तो कट गई ऐसी यार देखी बिकाम यार इतना के ना यार अभी बार नहीं है भी आ जा मेरे अंदर हमारे अंदर आ जाए खुदा का जलाल आ जाए तो बुद्रो ने यीशु को देख के क्या कहती थी लिखा उसके नाम से शयातीन डरते थरथराते और कांपते हैं। हालेलुया। आजकल खानदानों को बहुत मुश्किल का सामना है। अबस है, बादशाह कह गया आता मेरी आर्मी का नहीं कोई फायदा। अगर जंग खुदा ने नहीं ना जितावनी तो अभी हारनी जी मर्जी आर्मी खिलाफ। अगर मेरे बच्चों की जिंदगी के खुदा ना ना आया मैं इन्हों का तफज नहीं कर सकता। मैं नहीं पता अगर मेरी बीवी के खुदा की हजूरी नहीं आएगी मैं देखिए राखी करनी या शोहर के अगर खुदा की हजूरी नहीं तो बीवी की राखी करे उन्हें दसवा ही नहीं सारा कुछ आके बीवी पुछते रहो वो मैं पिछले घर च बैठा हो मोल पर फिर जनानी ने मेरा सिर खाधा हर 15 मिनट बाद फोन करी जाती हर 15 मिनट बाद फोन करी जाती करी जाती तो फिर नवा बचा के घर नहीं आता मा बचा मेरा ताकत कर ली नशा कर लेने वो चारे सिर पिट फाड़ लेने यार तुम आ जाया वेद
वो तो घर तुमने दसना वो भाई तू आ की करी बैठा तेरिया नाड़ियां जड़िया 180 ते प्रेशर चलदिया ने मुझे तू 300 ते पहुंचाया तेरे दिमाग की नस फट जानी है भाई अब ब्लड प्रेशर की सुई भेज दो 300 ते पहुंची ऐसे हार्ट अटैक हो जाते खबरदार जो गुस्सा किया तू उन्होंने कहा आप बैठी थे मेरी जिंदगी दी खत्म करना जी इन्हें मेरे मार के जाना कह दो एंजी कुत्ता तुझे हर बंदा है चौधरी कोई बीवी हम चौधरी बन जाए मैं घर से गया उन्होंने पता बड़ा कोटा था ओदे भी अच्छी जेड़ा चढ़ जाता से ओदे वाल वाल हो जाती आ ओदे नाम तो तेरे नहीं है आदि ने कहो जरा आवे थले मैं कहा भाई उधर पे डालती हां जी मैं डरा के रखा पर चली जा मेरे तो आंजी तू मेरा की कर रहे आदर मैं क्या मेरे को पता चल जा मैं गुस्सा आ गया मैं तेरे मोदे से पेड़ मार दिया जा मार के भगा आदर जी मैं मार दी जा जी मुझे भगवान ये गोर मार के भगा तुझे स्टोरियां भेज दे तो कर दिया ओदे प्यो ने मेनू क्या मुंडे ने साडे बच्चियां लई दुआ करो इन दी लड़ाई नहीं मुकदी ये शैतानी घर है तीसरी याद देखे हम क्लोज करने लगे हैं और देखो औलाद खुदा की तरफ से क्या क्या बात नाराज पता है क्यों आते गिफ्ट दूसरी जिम्मेदारी दो जमानी ने मिरास के लिए हर चीज औलाद खुदा की तरफ से क्या है फिर मलकियत की दी खुदा दी वारस तेरा कौन है खुदा हो तेरे ने गिफ्ट तो दे दी और मैं ये दा तेरे को हिसाब ला जिम्मेदारी का नाम कैसी जिम्मेदारी है औलाद वालों अपने बच्चों को उस राह पे तरबियत कर जिस नाम से जाना उसको कलाम से नसीहत दे देगा नसीहत दे देगा कलाम से अपने बच्चे को तरबियत कर मेरे साथ अगर आप एक इफ्सियों के खात का हवाला देखें हम आप बच्चों के पहुंच गए क्लोज करने वाले बताओ बस लॉन्च करो इफ्सियों का खात निकालें और उसका छवा और वो दी चार इफ्सियों छवा चार क्या लिखा है औलाद औलाद वालों औलाद वाली कहने मां के प्यो औलाद होना दी है मां के प्यो क्या कहता है औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों लेकिन ये असल लफ्ज बेटे और बेटियां हैं तर्जमे की प्रॉब्लम है तुम अपने बेटों और बेटियों को गुस्सा ना दिलाओ गुस्सा नहीं होना उन्होंने नफरत नहीं भेजनी उन्होंने लानत नहीं भेजनी उन्होंने इरिटेट नहीं करना गुस्सा है गुस्सा है ना ऐ बड़ा ये गुस्सा नहीं जी ये दौरा आया गुस्से दे दौरे ये बदलू गिरफ्तार गुस्सा है ये खुदा वाला गुस्सा नहीं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਖਤਮ, ਲੋਕ ਪਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਰੂਹੋਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਧੋਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਬਦਰੂ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੱਕਣੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਦਿਲ 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 ਸਮਝਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਲ ਲਗਾਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੇ ਦਿਲ ਲਗਾਓ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਮਿਸ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹੱਲੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦਮੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਦਗੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਰੇ ਪਰਮਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਜਾਂ ਦੁਆ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਵਾਲ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਆ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੋ ਬੇਟੇ ਗੁੱਸਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਨੰਬਰ ਵਨ ਕਿਆ ਕਰੂ ਕਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਲਾਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ।
यदि न्याणे तो साढ़े प्यो ने हाथ रखे तो ये तो हुक्म सी कि अपने बच्चों के हाथ रख के दुआ करो पर केड़ी करो तो दुआ लिखी जी दुआ लिखी जी ऐ बोल दे इंसान ने दुआ ही नहीं कई हो किसी की बूटी करी तुरी जाने दुआ खुदा ने क्या ऐ कर खुदा उन तुम्हें क्या दे बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे खुदा मत अपना चेहरा तुझ पर चमक और तुझ पर जिस ग्रह सच ही नहीं
जिंदगी इसलिए लिखे औलाद खुदा की तरफ से मैं मेरा ये फेवरेट जरूर है मैं अपने बच्चे को सामने खिलाफ दे स्कूल भी जाना हो ना अकेडमी भी दुआ करके जाते मैं उन्होंने रख के दुआ कर मेरी बीवी कर दू क्योंकि इतने दो माता ना आया औलाद वाले मियाँ बीवी दो ही ये अगर प्यो नहीं करते मां रख दिया अगले लेकर तू रख राम के लिए क्या कहते तुम मेरे नाम से क्या करोगे हाजिर को दो बेटे दो में रू ना मबूर जे दो में नजाती आफ्ता रे और दो में जबरदस्त मसीही जे हालेलुया और दो में खादम जे मेरी बीवी खादमा है और सदा घर खुदा दा घर है हालेलुया मेरी मैं जी तरबियत के जी कर छड़ी है मैं ये स्कूल च हो एक इस टाइम कॉलेज च पढ़ रहे हैं कोई ताकत नहीं करना में गंदगी वाल लै जाए जबरदस्त मना दी करा के दसने के गुना है और ये हमारी फितरत नहीं है हालेलुया तुसी टीवी ला दो नहीं देखने के कहेंगे नहीं हम दुआ करना पसंद करेंगे हम टीवी देखना नहीं असं दिन च तीन तीन टाइम दुआ करने वाले लोग हैं कैसे हो कोई छूमत तो करिए सलाम भी पूरा किया खुदा ने क्या और ओदा अजर मैं अपनी अखा ना वेखन दिया अपने खानदान च वेखन दिया 18 साल हो गए मेरी शादी एक बारी मैं अज तक अपनी बीवी ने कभी झूठ नहीं जो बोलिया एक बारी 1987 जी मैं निजात पाई अज तक कभी मेरे मुंह चो गाल भी नहीं निकली कि मौजज़ा नहीं कि इन्हू अंत जी यीशु का फसल हालेलुया और यीशु ने कहा सी तुम मेरे गवाह हो गए तुसी खलो के दसोगे कि मैं की कर सकता श्रीलंका में गया हमने उसको देखा था उसमें जिंदगी थी हमें मिली है तुम्हें देना चाहिए हमें मिली तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता कि साढ़े कि तू बदरूप लो जी सू कवे आओ बात सू पता है कि साढ़े अंदर कौन है जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीम हालेलुया आज ना तो खुदा ने कभी माली तौर पर भी थले भी नहीं आने देता किधरों पैसे आते ने केले आते ने मौज से ही जाते मौज से हैरान कुल मौज से औलाद भी दीती है खुदा ने और बाबरकत देती है उन्होंने बीच भी खुदा रहे हैं कॉलेज से पढ़ रहे हैं एक FSC कर रहे हैं एक कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं जिथे भी वो पढ़ रहे हैं उथे भी सारे मशहूर ने इंतहाई अच्छे बच्चे ने और इन्होंने का कोई बच्चा नहीं हालेलुया खुशी की गल नहीं तो माँ प्यो को आगे स्कूल वालों प्रिंसीपल कहे यार तुम्हारे बच्चे एक्सीलेंट बच्चे वाकई ये बच्चे सी नहीं क्या तरबियत की थी क्या इन बच्चों की जिंदगी फिर असी भी गाँव यीशु ने किया सारा कुछ क्योंकि उसी ने कहा मैं तुम्हें जिंदगी दे दिया और कसरत की दे दिया हालेलुया क्या औलाद खुदा की तरफ से मेराज है और मुबारक और खुश नसीब है वो आदमी जिसका तर खुश दिन से भरा है और आगे लिखा है वो फाटक ऊपर बातें करेंगे कभी शर्मिंदा ना होंगे और खुदा ने कहा मैं तेरी औलाद हूँ ऐसी बाप बरकत बनावांगा
तू कभी शर्मिंदा नहीं होएगा, तेरे बच्चे तेरे चुकनेंगे, तेरे बच्चे तेरी सपोर्ट करेंगे, तेरे बच्चे तेरे नाल खिला देंगे मैं, ये ऐसा नहीं होएगा जब सरदस्त के हाथ में तीरे वो तो तीर फड़ते से जबरदस्त इतिहास दे तीर का मतलब है क्लाशन को फड़ के गाड़ करा देना हुण गन्ना फड़ के खड़ोते उदो तीर फड़ते से ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਬਰਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਔਲਾਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕੇ ਗੱਤੀ ਰਾਹ ਨੀ ਪਿਓ ਸੋਹਰੇ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆਹ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਇਹ ਆ ਡੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਦਰੂਮਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਬਰਕਤ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤੂ ਖਵਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਬਰ ਕਰੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਉਤਾਰ ਕੀ ਫਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ ਆਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਰਾਮਾ ਖੰਚਾਲਾ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ